अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप पाकिस्तान में रह के प्रोडक्ट पाकिस्तान की फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू यानी कि पैसे कमा सकते हैं मंथली। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि अगर मेरी वीडियोस के 2000 व्यू हुए तो मैं इस वीडियो पर पार्ट टू बनाकर तफसील से डिटेल से आपको समझाऊँगा किस तरह ये काम किया जा सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हमें एक प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगी, कौन सी प्रोडक्ट जो हम फॉरेन कंट्री में भेजकर पैसे कमा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट चूज़ करता हूँ। ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे कंपनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनमें बैंक अकाउंट और जिस जगह या जहाँ पर आपका ऑफिस है उसकी रजिस्ट्री, इसके अलावा आपका NIC और आपकी दो तस्वीरें, ठीक है। तो इसके अलावा आप सबसे पहले कंपनी का नाम चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपना चैनल का नाम ही गैस न्यू इंटरप्राइज चूज़ करता हूँ, और मैं चैम्बर मुकामी जो सिटी का आपका चैम्बर है, बिजनेस चैम्बर, वहाँ जाकर अपनी ये कंपनी देखूँगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ये ऑलरेडी नहीं रजिस्टर्ड तो हम रिज़र्व करके फिर वो हमें एक पर्ची देंगे, उस पर जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है लीगली फुल रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी की, वो हमें दे देंगे। उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, NTN नंबर चाहिए हमें सबसे पहले, इसके अलावा जो बैंक अकाउंट चाहिए कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो हम बैंक में जाएंगे, बैंक के बाद हम वहाँ बैंक में कंपनी की जो इनवाइस होती है वो बना लेंगे, उस पर हम स्टैम्प कंपनी की मोर एक बनाएंगे, वो स्टैंप लगा कर उसी के नाम पर और अपने नाम पर जिसने अपने कंपनी में रजिस्टर नाम करनी है उस पर बैंक अकाउंट में अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद हम जो है FPR में जाएंगे, NTN नंबर लेने, वो हम अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अपने के NIC लेकर अपना NTN रजिस्टर करवाएंगे, और फिर वापस आकर चैम्बर में वो कंपनी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्री भी ज़रूरी है जिस जगह आपकी ऑफिस है या आप जहाँ आप फैक्ट्री हैं, जो भी आपका प्लेस है जहाँ आप वर्किंग करना चाह रहे हैं वो ज़रूरत है उसकी, और फिर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद आपको एक वेबसाइट चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी जो इम्पोर्टर हैं जो चीज़ें बाय करते हैं बल्क क्वान्टिटी में या कुछ सैम्पल कुछ पीसीज लेते हैं, उनके लिए आपको एक साइट की ज़रूरत है जो आपकी कंपनी की होगी। मिसाल के तौर पर मैं सीज़र सेल करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से, तो आपकी एक साइट होगी सीज़र की, गैस म्यू इंटरप्राइज, जैसा कि मैंने अपनी कंपनी का फर्जी नाम बता रहा हूँ। तो ये आप पिक्चर्स लेंगे ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि ये इसके जो सीज़र हैं इसके मतलब आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और सीज़र की पिक्चर्स अपलोड करें, ठीक है, और साथ अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि ये मेरी कंपनी है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बनाते हैं। तो पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आपको कोई भी फॉरेन अगर आपको इंक्वायरी करता है ये कितने का पीस मुझे देंगे, जो भी देंगे, आपको मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या है और किस तरह आप सेंड करेंगे इसे, वो आपसे ज़रूर पूछेगा फॉरेन कस्टमर, वो डिटेल से पूछते हैं कि शिपिंग कैसे करेंगे आप, ये डिटेल बल्क क्वान्टिटी का क्या रेट है, सैम्पल का क्या रेट है। और कुछ मेरे दोस्त पिछली वीडियो में ये कमेंट्स कर दिया था कि भाई फॉरेन ट्रस्ट कैसे करेगा मुझ पर। भाई फॉरेन ट्रस्ट इसलिए करेगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर है पाकिस्तान में, और आप एक बकायदा आपका एक बैंक अकाउंट है कंपनी के नाम से, आप कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आप फ्रॉड करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ठीक है, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो इसलिए फॉरेन इसलिए आप पर ट्रस्ट करेगा कि वो एक बैंक पर पैसे भेज रहा है, कि बंदे के नाम आपके नाम जा रहे हैं पैसे। अगर आप $500 का $700 का फ्रॉड भी कर जाते हैं 70-50 हज़ार का, ये तो पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब हो गई और आपकी भी। आप एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप इसलिए वो ट्रस्ट करेगा आप पर कि आप बाकायदा तौर पर बिज़नेस कर रहे हैं। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन जो पूछते हैं कि आप कितनी देर हो गया ये काम कर रहे हैं, वो ट्रस्ट की बुनियाद बन जाता है कि ये 5 साल होगा 6 साल होगा ये बंदा काम कर रहा है, यानी कि वो एक बिजनेसमैन है, ये एक्सपोर्टर है, ये कोई फ्रॉडिया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो ये मैंने सारी तफसील आपको बता दी हैं, तो इंशाल्लाह कोई और भी आगे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो इसके अलावा मेरी जो वीडियोज़ हैं वो लाइक और देखिएगा,
मैंने एक वीडियो रजिस्ट्रेशन पर बनाई है, वो भी देख लीजिएगा तफसील से, मेरा आर्टिकल भी है लिंक में, वो भी देख लें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि बजरिए नोटिफिकेशन मेरी तमाम अपडेटेड वीडियोज़ आपको एक मैसेज चला जाए। शुक्रिया।